इंडिया में आईफोन्स की सेल इतनी ज्यादा हो रही है जितने इंस्टाग्राम पे शायद रील्स भी नहीं बन रही। अच्छा, खैर ये है एप्पल का पहला 5G फोन जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था, मतलब 2 साल से ज्यादा हो गए इसको। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, बट फिर भी इस फोन का दबदबा आज भी उतना ही है। रीजन सिंपल है, इसकी प्राइस, बिकॉज इस बार के बिग बिलियन डे सेल में इसकी प्राइस 39,000 तक चली गई थी। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ टाइम के बाद फ्लिपकार्ट ने जानबूझ के इसकी प्राइस इंक्रीज कर दी, बट नेक्स्ट सेल में डेफिनेटली इस फोन की प्राइस वापस उतनी हो जाएगी जितनी थी। अब देखना यह है कि 2023 में iPhone 12 को परचेस करके अब कितना खुश रहोगे, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे इसको टक्कर देने वालों की संख्या कम नहीं है। S21 FE 5G, OnePlus 10T, iQOO 90, बहुत सारे फोन्स हैं। तो पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको फोन कौन से OS का चाहिए। अगर iPhone ही लेना है तो iPhone 12 के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है। हाँ, शायद iPhone SE 2022 भी आपको इसी प्राइस पॉइंट के आसपास देखने को मिल जाएगा, बट अगर आपको ये फोन खरीदना है तो मुझे अनसब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज उस फोन की वीडियो इस चैनल पे कभी नहीं आने वाली शायद। अब अगर iPhone 12 की बात करूं तो 40,000 में कुछ चीजें सुपर से भी ऊपर है, सच में। अभी इस दुनिया में सबको पता है कि iPhones have the best cameras, स्पेशली वीडियोस में। मतलब अगर आप iPhone को उसकी जनरेशन के किसी Android के साथ कंपेयर करोगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग में इजिली iPhone जीत जाएगा, गारंटी के साथ। यकीन नहीं हो रहा है ना, अभी दिखाता हूँ। तो ये वीडियो मैं iPhone 12 और S20 5G से ले रहा हूँ 1080p 30fps में, और आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि S20 5G की वीडियो में एक्सपोजर की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, वहीं दूसरी तरफ iPhone ने हाइलाइट्स और शेडोज को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। इवन डायरेक्ट सनलाइट को भी iPhone ज्यादा अच्छे से बैलेंस करता है। मतलब अगर आप एक छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर हो मेरी तरह, तो फिर आईफोन की वीडियो क्वालिटी से हमेशा खुश रहोगे। और ऐसा नहीं कि इस फोन से सिर्फ वीडियोस ही अच्छी आते हैं, फोटोग्राफी में भी ये फोन धूम मचा रहा है। मतलब 40,000 की प्राइस रेंज में इसको कुछ गिने चुने फोन से टक्कर दे सकते हैं, हरा नहीं सकते। मतलब अगर आप iPhone 12 को S21 FE 5G या फिर Pixel 6 से कंपेयर करोगे, एंड लेट्स से आपने 10 इमेजेस कैप्चर करी, तो 3-4 इमेजेस iPhone 12 की भी बेटर होंगी। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे चैनल की कंडीशन भी बेटर होगी। कोई तरीका है भीख मांगने का? बट एक चीज डेफिनेटली iPhone में बेटर होनी चाहिए, उसकी सेल्फी। आई डोंट नो एप्पल के साथ क्या सीन है, बट इनके बैक कैमरा जितने अच्छे फोटोज लेते हैं ना, फ्रंट कैमरे में उतने ही तेल मसाले की जरूरत है। मतलब सेल्फी में सैमसंग इजिली जीत जाएगा, शायद पिक्सल भी, बट सॉफ्टवेयर में आईफोन को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई मीन अभी तक तो किसी ने नहीं हराया, क्योंकि पहले तो एंड्रॉइड के कंपैरिजन में आईफोन में बग्स ना के बराबर होते हैं, और अगर होते भी हैं तो इंस्टेंटली एप्पल उसको अपडेट देकर फिक्स कर देता है। एंड्रॉइड में बहुत समय लगता है, और सबको पता है कि आईफोन्स को मिनिमम 5 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स तो डेफिनेटली मिलते हैं, कुछ को तो 6 साल भी मिले हैं। हाँ, सैमसंग भी ज्यादा पीछे नहीं है, बट पीछे तो है। अब अपडेट्स में भले ही सैमसंग और बाकी सारे एंड्रॉइड पीछे हैं, बट जब बात आती है कस्टमाइजेशन और क्रिएटिवनेस की, तो यहाँ पे एंड्रॉइड बाजी मार जाता है। बिकॉज आईफोन में उतने ही कस्टमाइजेशन मिलते हैं जितने मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं, बस उसको 1000 से डिवाइड कर लेना। अब भले ही आईफोन में कस्टमाइजेशन नहीं हो, बट बिल्ड क्वालिटी की रेस में आईफोन सबसे आगे। मेटल बॉडी, ग्लास बैक, एल्युमिनियम फ्रेम और प्रीमियम लुक, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये लोगो। इसी चीज के लिए लेते हो ना आईफोन? खैर, आप किसी भी चीज के लिए लो, बट लिटरली इसकी बिल्ड क्वालिटी 1.5 लाख के फोन जैसी है। जब हाथ में लोगे तभी समझ आएगा। आप लो या ना लो, बट इंटेल ने एक चीज की जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली है, विंडोज और iOS का इकोसिस्टम बनाने में। मतलब पहले लोग एप्पल के इकोसिस्टम की इतनी तारीफ करते थे जितनी कभी खुद की भी नहीं की होगी, और अब भी आई गेस एप्पल का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन अब विंडोज भी रेस में पीछे नहीं है। रीजन ये एप्लीकेशन है, इंटेल यूनिसन। ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए देवता समान है जिनके पास लैपटॉप तो विंडोज का है बट फोन एप्पल का। आई डोंट नो इंटेल ने ऐसी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से आईफोन के साथ इतना सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है। मतलब इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने पीसी पे हर वो एक काम कर सकते हो जो कि एंड्रॉइड के साथ करते थे। फाइल ट्रांसफर करनी है, हो जाएगा। किसी को कॉल करना है, हो जाएगा। किसी को मैसेज करना है, हो जाएगा। और नोटिफिकेशन चेक करनी है, वो भी हो जाएगा। बस आपको ये एप्लीकेशन दोनों जगह इंस्टॉल करके कुछ स्टेप्स फॉलो करके सिंपली कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद जब भी आप अपना पीसी ऑन करोगे, ऑटोमेटिकली वो आपके आईफोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, है ना कमाल की बात। बट एक्चुअली में कमाल है इसकी रिलायबिलिटी, बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे फोन यूज करे हैं जिसके अंदर आईपी रेटिंग है, बट इस फोन को डुबाने में जितना मजा आता है ना, उतने अपनी दुश्मन की नैया डुबाने में भी नहीं आएगा। आई थिंक मैं 6 से 7 बार वाटर पार्क वगैरह जा चुका हूँ, और जब भी वहां जाता हूँ तो ये फोन मेरे साथ हमेशा होता है पानी के अंदर। आई डोंट नो मुझे इस फोन पे इतना भरोसा क्यों है कि मैं इससे अंडर वाटर वीडियोस भी बिना टेंशन के बना लेता हूँ, लेकिन किसी एंड्रॉइड फोन के साथ मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, पता नहीं क्यों। अब ऐसा नहीं है कि एंड्रॉइड फोन्स की आईपी रेटिंग सिर्फ नाम की होती है, बट अगर इसको आईफोन 12 से कंपेयर किया जाए तब तो मैं इजिली कटे हुए सेव की तरफ ही मुड़ूंगा। वैसे इस कटे हुए सेव की एक खास बात भी है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, क्योंकि 40,000 में आपको बहुत सारे ऐसे एंड्रॉइड फोन्स मिल जाएंगे जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा होती है सिर्फ बेंचमार्क स्कोर्स में, बट एक्चुअली जब गेमिंग की बात आती है तो बहुत सारे ऑनलाइन स्ट्रीमर्स आईफोन ही प्रेफर करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एंड्रॉइड फोन्स की परफॉर्मेंस एकदम खराब होती है, ब्रांड्स जैसे iQOO एंड Xiaomi कमाल के गेमिंग फोन्स लॉन्च करते हैं जिनमें परफॉर्मेंस कमाल की होती है, बट सिर्फ 1 साल के लिए। मतलब 1 साल के बाद वो अपने ही फोन को सॉफ्टवेयर अपडेट देके स्लो कर देते हैं नए फोन्स जो बेचने होते हैं उनको। बट इस फोन के साथ मैंने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया, जैसी परफॉर्मेंस मुझे फर्स्ट डे मिलती थी
उतनी आज भी मिलती है। हाँ, एक चीज जरूर कम हुई है, बैटरी बैकअप। बिकॉज इतने दिन यूज करने के बाद इसकी बैटरी हेल्थ 90% पे चली गई है, बट फिर भी एक दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाता है। बैटरी बैकअप भले ही एक दिन का मिले, बट इस वीडियो से सीख आपको एक से ज्यादा मिली होगी। मतलब अगर 40,000 लगाकर आईफोन 12 लोगे तो कैमरा बेस्ट मिलेगा, परफॉर्मेंस बेस्ट मिलेगा, बैटरी एवरेज मिलेगा, सॉफ्टवेयर 2 साल के बाद भी 3 और अपडेट्स मिलेंगे, शायद 4, और 5G के लिए टेंशन फ्री रहना, आपकी उम्मीद से ज्यादा बैंड्स दिए हुए हैं इसमें। और सिर्फ बैंड्स ही नहीं दिए हुए, कनेक्शन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है 5G के साथ। 5G का कनेक्शन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट अगर आपको मेरे साथ कनेक्शन बनाना है तो फिर फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, भगवान आपका भला करेगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके दुनिया को बता देना, बट जवाब शायद मैं ही दूं। अब जब तक जवाब न मिले तब तक लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना, आईफोन 12 के ऊपर ही है, नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता चलेगा कि सैमसंग का फ्यूचर क्या होने वाला है। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।